और कैसे हो तुम? और जी क्या हाल चाल है आप लोगों के? गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये पार्ट है भाई। एग्जाम का नोटिस आ चुका है और एग्जाम की प्रिपरेशन कोई फेरी टेल की स्टोरी नहीं है कि कहीं आप आंख बंद करके बैठे रहेंगे और कोई प्रिंस या प्रिंसेस आएगी या आएगा और आपको बचा के निकाल के ले जाएगा। एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ सोचने से होने वाली नहीं, बैठ के सोच करके तो जिंदगी अच्छी होने वाली है नहीं, हमें तैयारी करनी पड़ती है। और जब कभी किसी एग्जाम की बात हो ना तो उसे दुश्मन की तरह डील करो, पहले जान तो लो वो है क्या और फिर जम करके तैयारी करो, ऐसी तैयारी कि एग्जाम की धज्जियां उड़ जाए। Oh my God! तो चलो फिर इस एग्जाम को समझ लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के गेट 2019। यहां जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए सिलेबस डिफाइंड है। सेक्शन 1 में जहां इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है और ये मैथ्स वो है जो हम लोग बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर ये मैथ्स हमें आता नहीं है तो एग्जाम सॉल्व नहीं कर सकते, करने को तो बहुत कुछ है ना इसमें। सेक्शन 2 में जनरल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट आता है और इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ता है बायोकेमिस्ट्री। अगर तुम्हें याद हो तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब है बायोमोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं कैसे बिगड़ते हैं, और बहुत सारी टेक्स्ट बुक में बायोकेमिस्ट्री बड़ी अच्छी समझा रखी है। तो फिर माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी में हम लोग समझते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, उनकी लाइफ कैसी है, यूकैरियोटिक सेल कौन सी है, वहां काम कैसे होते हैं, क्योंकि मत बोलो ये बायोटेक्नोलॉजी है। यहां हम यूकैरियोट्स की जीन को समझ करके उनके प्रोटीन को समझ करके कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल का इस्तेमाल करके हम प्रोटीन बनाना चाहते हैं, ऐसे प्रोटीन जो मेडिकली इंपॉर्टेंट हो, जो नाम भी दे जाए और पैसे भी। लेकिन इन चीजों को यूज करने से पहले हमें समझ में तो आना चाहिए कि भाई बैक्टीरिया है क्या, यूकैरियोट्स है क्या, और इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स में आते हैं। अगेन बहुत सारे टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करके आपने समझा है हमेशा कि क्या क्या बातें हैं जो इन चीजों को डिफाइन करती हैं। सेल बायोलॉजी कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, यहां पूरी सेल की बात समझी जाती है, सेल के हर पार्ट की, हर कंपोनेंट की, और यहां तक कि पूरे ऑर्गेनिज्म में वो सेल के कंपोनेंट्स रोल कैसा निभाते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में हम लोग डीएनए और डीएनए के काम, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स, और फिर एनालिटिकल टेक्निक्स में हम उन टेक्निक्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ते कैसे हैं। आफ्टर ऑल अगर हमें डीएनए मैनिपुलेशन आता है तभी तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कर पाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी केवल बायोलॉजी में टेक्निक की स्टोरी थोड़ी है, ये तो कहानी है कि आप पहले बायोलॉजी समझो और वहां जो भी कुछ हो रहा है उसको मैनिपुलेट करके इंसान के फायदे के लिए कुछ चीजें बनाओ, और इसीलिए इस ज्ञान को भी इकट्ठा करने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एक एंगल हमें बीमारियों से लड़ने के बारे में समझाता है, बायोटेक्नोलॉजी की ही एक ब्रांच जहां वैक्सीन डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक के मेथड, बीमारी से लड़ने के लिए दवाइयां। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए भी हमें समझना होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, इम्यूनोलॉजी। तो फिर इस सारी जानकारी को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा या फिर प्रोग्राम्स के द्वारा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स हैं जो इन टॉपिक्स को डिफाइन करती हैं। कहने को तो छोटी छोटी लाइनें हैं, एक पैराग्राफ है, लेकिन ये पूरा ज्ञान है हर टॉपिक का। सेक्शन 3 में अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना सीखते हैं, डीएनए काटना, छाटना, जोड़ना और कैसे उसे एक्सप्रेस कराना है, जीन क्लोनिंग के मेथड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के मेथड्स, क्या मार्कर इस्तेमाल करते हैं तो क्या वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। प्लांट और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम ये समझते हैं कि हम अपने हिसाब से जीन्स को कैसे एक्सप्रेस करा सकते हैं प्लांट में और एनिमल में। पता नहीं कितने सारे एग्जांपल्स आए जहां हम लोगों ने ये समझा कि कैसे भाई चावल के अंदर हम विटामिन ए बना सकते हैं, या फिर कॉटन को बैसिलस थुरिंजिनेसिस की जीन का इस्तेमाल करके इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। ये वो मेथड है जिनकी हेल्प से आज हम लोग एग्रीकल्चर में नए नए ब्रेक थ्रूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हर रोज मॉडिफाई हो रही है, बहुत नए तरीके आ रहे हैं। और फिर सेक्शन 5 में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ये समझते हैं कि इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना करके हम कैसे अपने मतलब के मॉलिक्यूल लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं।
लैब से इंडस्ट्री के लिए क्या मैथमेटिक्स चाहिए, स्केल अप करने के लिए, यील्ड निकालने के लिए, जब हम लोग सेल को कच्चा मीडियम में ग्रो कर रहे हो तो उसकी नीड समझने के लिए, और किस हिसाब से चीजें देनी है वो पूरा करने के लिए। ये ज्ञान ना सिर्फ केमिस्ट्री का है बल्कि इंजीनियरिंग का भी ब्रांच इन्वॉल्व हो जाता है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और यहां तक कि फिजिक्स, सभी को इस्तेमाल करने के बाद हम कहते हैं कि हम समझ चुके हैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग को। अब इस सारे सिलेबस को देखने के बाद में सवाल तुम्हारे पास है, कैसे तैयारी करोगे, कैसे होल्ड करोगे? क्या ये सिलेबस ऐसा है कि रात को बैठ करके तैयारी करके सुबह एग्जाम दे आए? भाई ऑप्शन तुम्हारे पास दो हैं, या तो किताबें पढ़ डालो जो कि बहुत सारी हैं, या फिर आई फ्लाइन बन जाओ, क्योंकि आई फ्लाई में शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से हम समझते हैं कि बड़ी इंफॉर्मेशन को कैसे होल्ड कर सकते हैं और किस हिसाब से उन्हें समझें कि एग्जाम में इस्तेमाल भी कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर टू को ही ले लो। अगर हम सीरम को रिमूव कर दें ग्रोथ मीडियम ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल लाइन से, जिसे हम HEK के नाम से जानते हैं, तो भाई सेल पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए सीरम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट में से एक है। एनिमल सेल को हम लोग विटामिंस, अमीनो एसिड्स, मिनरल क्या चाहिए हम जानते हैं, लेकिन सीरम एक ऐसी चीज है जहां तमाम तरह के ग्रोथ फैक्टर्स हेल्प करते हैं सेल को यह बताने के लिए कि सेल डिवाइड कर जाओ, सेल जिंदा रहो। ये कह लो कि सीरम को हम सब कुछ जानते नहीं कि सीरम के अंदर है क्या क्या, लेकिन सीरम के अंदर वो सब कुछ चीजें हैं जो एक सेल के लिए चाहिए होती हैं। अब हमारे शरीर में भी सेल को डिवाइड करने के लिए हमारा ब्लड ही तो है जो सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हम सब कुछ नहीं जानते, इसलिए सीरम को इस्तेमाल करना एनिमल सेल कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सीरम के सेल डिवाइड नहीं करती। तो क्वेश्चन जो ये बोल रहा था कि अगर हम सीरम को रिमूव करते हैं ग्रोथ मीडियम से तो क्या होने वाला है, भाई सेल डिवाइड करना बंद कर देगी। सेल साइकिल अरेस्ट होने के बाद में सेल जिंदा रहेगी या मर जाएगी ये बहुत सारे और फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन असल में सीरम एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्रोथ फैक्टर्स का, माइटोजेंस का, जो सेल के अंदर सिग्नलिंग करते हैं सेल डिवीजन के लिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर टू का बेस्ट आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर। भाई प्रोटीन बायोलॉजी में सबसे फंडामेंटल प्रोसेस प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। जब प्रोटीन बनता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की लीनियर सीक्वेंस, फिर वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि बहुत तरह के होते हैं, फिर फर्दर फोल्डिंग होने के बाद जो कि आर ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट की वजह से है नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, टर्शियरी लेवल आता है और क्वार्टरनरी लेवल पे मल्टीपल पेप्टाइड जुड़ती हैं। जब तक प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होगा प्रोटीन काम नहीं करता। अब कहने को तो ये सिंपल सा एक टॉपिक है, लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन भी, सीरम वाला और ये क्वेश्चन भी, समझने के लिए, होल्ड करने के लिए बहुत सारी नॉलेज की आवश्यकता है। सेल सिग्नलिंग भी चाहिए तो भाई टिश्यू कल्चर भी चाहिए। सिमिलरली यहां जहां प्रोटीन की फोल्डिंग की जानकारी चाहिए मुझे, तो मुझे बेसिक केमिस्ट्री ज्ञान भी चाहिए। अब यहां पूछा हुआ था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो प्रोटीन की फोल्ड को स्टेबलाइज करने के लिए नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन तो जरूर चाहिए, सेकेंडरी लेवल पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और टर्शियरी लेवल पर भी। प्रोटीन के सभी पार्ट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं हेलिसेस, स्ट्रैंड्स और टर्न्स के रूप में। यहां इस स्टेटमेंट में गड़बड़ है। जब कभी प्रोटीन फोल्ड होता है तो क्या उसमें केवल हेलिसेस, टर्न और बीटा स्ट्रैंड्स ही होते हैं? क्या रैंडम कॉइल या फिर लूप्स हम इनको डिफाइन नहीं करते? तो केवल ये तीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होते, और भी बहुत तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर बी तो भाई इनकरेक्ट है। टू नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स कैन नॉट बी क्लोजर देन द सम ऑफ देयर वैन डर वाल रेडियस। अब जब भी कभी दो एटम्स जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के आसपास वहीं आ सकते हैं जहां तक उनका सरफेस अलाउ करे, जिसे हम लोग वैन डर वाल रेडियस भी कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड लीनियर प्लानर है, और ये बात हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड में समझी भी है कि पेप्टाइड बॉन्ड 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है, और इसीलिए मुझे वहां फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। तो भाई स्टेटमेंट नंबर ए, सी और डी प्रोटीन बायोलॉजी के बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बी अधूरा है। तो इनकरेक्ट के मामले में आंसर नंबर बी। ये डायग्राम वो है जो हम हमेशा देखते आए जब से भी कभी हमने प्रोटीन पढ़ना शुरू किया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी।
हमें इनको पढ़ते हुए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि किस स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें आती हैं, कौन सी फोर्सेस इस्तेमाल हैं, बॉन्ड कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस डायग्राम में से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस मैमल की सेल में नहीं मिलती माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब अगेन, या तो तुम इसे ये कह लो कि भाई ये बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, बट क्या केवल ये बायोकेमिस्ट्री है? क्या ये सेल बायोलॉजी नहीं है साथ में? भाई सेल बायोलॉजी में हम समझते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल हैं, और बायोकेमिस्ट्री में हम ये भी समझते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। कहने को तो रिएक्शन बहुत सारी हैं और बहुत बड़ा एक मैप बनता है, लेकिन अगर हमने तरीके से पढ़ा है तो इसका ज्यादातर पार्ट हमें क्लियर होता है। जैसे कि हमें यह भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के रूप में भी जानते हो। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती, ये साइटोसोल में होता है। तो जहां एक तरफ तुम्हें केमिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है बॉन्ड्स को समझने के लिए, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिन्हें हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं वो भी जरूरी है कि कौन कौन सी पाथवे होती हैं, और सेल बायोलॉजी कि भाई कौन सी पाथवे कहां होती है और किस ऑर्गेनेल का क्या काम है, ये भी जरूरी है। ये सारा ज्ञान मिलकर के ही हमें क्वेश्चन का सही आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25, ये गेट के एग्जाम के वो एग्जाम्पल्स हैं जहां हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, जहां हम चार ऑप्शनों में से चुन करके सही आंसर दे देंगे, बात ये नहीं है, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सिंगल स्टेम सेल है जिसके पास 10 असिमेट्रिक सेल डिवीजन हुए, नंबर ऑफ स्टेम सेल कितनी होंगी एंड में? अब हल्के से मतलब चीजों को, यह सिंपल सेल डिवीजन नहीं है, यह असिमेट्रिक सेल डिवीजन है। तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि असिमेट्रिक सेल डिवीजन होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करना है बैक्टीरिया से, डाइजेस्ट किया गया है रस्टेशन एंजाइम से जिससे रोगनिशन साइट 6 बेस पेयर की है। तो भाई ये प्रोबेबिलिटी वाली है, क्योंकि हमें यहाँ साइज पता लगाना है कि एवरेज लेंथ क्या मिलने वाली है फ्रेगमेंट की। देखिए, जब हम असिमेट्रिक सेल डिवीजन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये कि जो भी आपकी स्टेम सेल है वो डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट होगी। एक सेल का फेट डिसाइड है, प्लूरिपोटेंट कुछ भी बन जाएगी, लेकिन जो दूसरी सेल है वो स्टेम सेल बनेगी। अब अगर एक स्टेम सेल डिवाइड करके एक फेट वाली सेल बनती है और एक स्टेम सेल, बट जिसका फेट डिसाइडेड है वो तो फेट वाली सेल बनेगी, लेकिन जो स्टेम सेल है वो फेट डिवाइड करेगी और उसमें भी एक स्टेम सेल होगी और एक फेट वाली, और ऐसे करते करते कितनी बार भी तुम डिवाइड करते चले जाओ लास्ट में एक ही सेल होगी जो स्टेम सेल होगी, और बाकी सब सेल्स वो बन जाएंगी जिनका कोई ना कोई फेट डिसाइड है। तो चाहे 10 असिमेट्रिक सेल डिवीजन हो या फिर 20, क्या फर्क पड़ने वाला है, लास्ट में तो मुझे एक ही मिलने वाली है ना स्टेम सेल। बाकी सब सेल तो प्लूरिपोटेंट होंगी या फिर वो जिनका फेट डिसाइड हो चुका है। जनरली जब हम लोग स्टेम सेल की बात करते हैं तो दो जगह हम इन बातों को पढ़ते हैं। एक इम्यूनोलॉजी में, जब हम लोग हेमेटोपोइसिस पढ़ते हैं वहां पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बहुत अच्छा क्लियर भी होता है कि स्टेम सेल और डिफरेंशिएटेड सेल में फर्क क्या है। और दूसरा हम ये पढ़ते हैं जब हम एनिमल सेल कल्चर की बात कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 में मुझे अगर 6 बेस पेयर की सीक्वेंस दे रखी है, मान लीजिए कुछ भी GAA TTC, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो अगर मुझे साइज पता लगाना है तो मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। किसी भी एक पॉइंट पर कोई एक पर्टिकुलर बेस मिल जाए, प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्योंकि टोटल 4 तरह के बेस हैं, 4 में से एक है जी। और अगर आप इन सब की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर निकल आएगा कि इस सीक्वेंस को एक साथ मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4096। अब इस लाइन को पढ़ते कैसे? ये लाइन ये कह रही है कि अगर किसी डीएनए में किसी एक जगह पर यह सीक्वेंस आ गई है तो 4096 बेस पेयर के बाद दूसरी सीक्वेंस मिल सकती है, यही वाली। तो अगर एंजाइम्स ने यहां कट मारा सीक्वेंस के ऊपर तो आपके पास जो फ्रेगमेंट का साइज है वो 4096 बेस पेयर के आसपास है, 4KB के आसपास। कोई गारंटी नहीं हमेशा ऐसा मिलेगा, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट्स की कुछ खास बातें, और हर बार के एग्जाम में रेस्ट्रिक्शन साइट्स के ऊपर किस ना किस तरह का एक क्वेश्चन आता जरूर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइंस आर एंडोजेनस पायरोजेन। अब यार एक तो क्वेश्चन है साइटोकाइंस के ऊपर, और साइटोकाइंस तो बहुत तरह के हैं, बट फिर इनमें से कुछ साइटोकाइन खास हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पूछ रखा है कि एंडोजिनस होने चाहिए और पायरोजन, पायरोजन वो होते हैं जो बुखार करते हैं, और एंडोजिनस जो बॉडी ने अपने आप बना रखे हैं। साइटोकाइंस के नाम भी दे रखे हैं TNF alpha, IL-1, TGF beta और IL-10।
जब हम बात करते हैं एंडोजेनस पायरोजेन की तो उसके सबसे फेमस एग्जांपल्स हैं इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन गामा और मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन 1, जिसे हम MIP-1 भी कहते हैं। और इसी के बेस पर अगर अपना ज्ञान लो तो तुम पाओगे कि साइटोकाइन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर में से एक है। जब भी कभी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होना होता है या किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करती है तो ये साइटोकाइंस हैं जो इम्यून सिस्टम के सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करते हैं। अगर मैक्रोफेज किसी को पकड़ ले तो खुद डिसाइड नहीं करता कि मारूंगा या नहीं मारूंगा, साइटोकाइन छोड़ करके टी सेल से पूछता है कि जी मारूं या ना मारूं, साइटोकाइन के रूप में, जैसे कि इंटरफेरॉन गामा। तो जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं कि साइटोकाइंस का इंटरप्ले, क्रॉसटॉक, आपस की बातचीत, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरह की भाषा है, केमिकल भाषा, जिसमें इम्यून सिस्टम की सेल्स आपस में बातें करती हैं और बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करती हैं। और इस केस में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 ये वो दो मॉलिक्यूल हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं एंडोजिनस पायरोजेंस के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैच द फॉलोइंग है। यार जब कभी हम लोगों ने पहली बार लाइफ में आरएनए पढ़े थे तो 3 तरह के आरएनए थे, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारा ज्ञान बढ़ता गया, तो आज हम जानते हैं कि बहुत तरह के आरएनए मिलते हैं। गाइड आरएनए, साई आरएनए, माई आरएनए, SCRNA, LNCRNA, gRNA, अरे यार बहुत तरह के आरएनए। हम आज इस बात को समझना शुरू कर चुके हैं कि जीन रेगुलेशन केवल डीएनए के लेवल पर होगा, ऐसा नहीं है। डीएनए से आरएनए बनने के बाद में बहुत सारे और दूसरे आरएनए आते हैं जो इन आरएनए को मॉडिफाई करते हैं। अब SNO आरएनए की बात कर लो, स्मॉल न्यूक्लियस में पाया जाने वाला आरएनए, और इस आरएनए का काम है राइबोसोमल आरएनए को मॉडिफाई करना और प्रोसेस करना, पी का चार, एक ही ऑप्शन में है पी का चार। पाई आरएनए ये BV नाम का आरएनए होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे जर्म लाइन डीएनए को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से बचाने में, क्यूका 1। तो माई आरएनए ब्लॉक करता है ट्रांसलेशन को उन खास तरह के मैसेंजर आरएनए को जिनके अगेंस्ट ये बना हुआ है। जीन को रेगुलेट करने का बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है और वो भी प्राकृतिक। तो SNRNA, जैसे हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं, ये मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग में इस्तेमाल होता है, जिसे आप स्नप्स के रूप में भी जानते हो। SNRNA काफी सारे प्रोटीन के साथ जुड़ करके SNRNP कॉम्प्लेक्सेस बनता है, U1, U2 याद होंगे, और यही वो SNRNA है जो मशीन को बताता है कि कहां से कहां तक इंट्रोन है, जिसे काट के बाहर निकालना है, जिसे आप स्प्लाइसिंग के नाम से भी जानते हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बेस्ट डी है। तो क्या केवल यही 4 तरह के आरएनए हैं? आरएनए और भी बहुत तरह के हैं। अब तुम इतना जान चुके हो कि भाई आरएनए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और बहुत एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हारा ज्ञान बहुत जरूरी है इस लेवल तक जाना कि तुम डिफरेंट काइंड के आरएनए, उनके रोल्स और वो कैसे काम करते हैं तुम ये भी समझ सको। भाई ज्ञान जहां तक आ चुका है टेक्स्ट बुक के अंदर वो लेना जरूरी है एग्जाम को पार करने के लिए। तमाम तरह के ट्रांसफर आरएनए के फंक्शन हमेशा जानो और समझो कि आंसर क्यों आया। तो क्वेश्चन नंबर 54 कैलकुलेशन बेस्ड है। यहां हमारे सामने एक प्लाज्मिड का डायग्राम दे रखा है और कह रखा है कि हे थर्ड यहां कट करता है, इको आर1 यहां कट करता है और हे थर्ड की एक कट साइट और भी है। अब अगर दोनों एंजाइम मैं काटने के लिए दे रहा हूं तो बट ऑब्वियस है मेरे पास जो पीस मिलने वाले हैं वो 3 पीस मिलेंगे, एक बड़ा, 2 छोटे। लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया कि क्लिनो फ्रेगमेंट भी दिया है। क्लिनो फ्रेगमेंट तुम्हें याद होगा डीएनए पॉलीमरेज 1 का पार्ट है जिसमें पॉलीमराइजिंग एबिलिटी होती है। डीएनटीपी दिया है और एटीपी भी दिया है, लेकिन ये एटीपी खास है क्योंकि इसमें अल्फा फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव लेबल्ड है। इको आर1 की साइड यहां दे रखी है, वैसे तो तुम्हें याद होनी चाहिए, और हे की भी साइड दे रखी है। डायग्राम बता रहा है कि जब हे से कट लगेगा तो ब्लंट एंड क्रिएट होंगे और ब्लंट एंड को एक्सटेंड नहीं कर सकता क्लिनो फ्रेगमेंट। क्लिनो फ्रेगमेंट को किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टेम्पलेट चाहिए होता है। अगर कोई एक डीएनए का मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका कुछ स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड है तो क्लिनो फ्रेगमेंट उस सिंगल स्ट्रैंड वाले पार्ट को एक्सटेंड कर सकता है। अब यहां नोटिस करो, जब कभी इको आर1 कट करेगा तो इतना हिस्सा सिंगल स्ट्रैंड होगा और इसको बढ़ने के लिए क्या सीक्वेंस आने वाली है, AATT। ऐसी सीक्वेंस इको आर1 में 2 किनारों पर मिलने वाली है, तो इस फ्रेगमेंट में और इस फ्रेगमेंट में पॉलीमराइजेशन होगा।
और जब पॉलीमराइजेशन होगा तो सीक्वेंस ही बता दिया कि भाई ए जरूर आएंगे और ए आपका लेबल्ड है, जबकि हे थर्ड वाली साइट पर तो ब्लंट एंड है, यहाँ पॉलीमराइजेशन होने वाला नहीं है तो लेबल्ड एटी भी जुड़ेगा नहीं। तो भाई लेबलिंग तो केवल एक इस पीस की होगी और एक इस वाले पीस की, केवल दो पीस हैं जिनकी रेडियोएक्टिव लेबल्ड होगा और उसी के बेस पे क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। देखो यार, जिंदगी में फूल तभी खिलते हैं जब हम खाद पानी दें, अच्छा बीज दें और धरती बढ़िया हो। इस केस में धरती है हमारा दिमाग, खाद पानी है हमारा ज्ञान बढ़ाने के तरीके, किताब पढ़ने के तरीके। और अगर मेरा ज्ञान अच्छा है तो द पॉइंट है नक्शे में बंधा हुआ है तो फिर एग्जाम कैसा भी हो बड़े आराम से सॉल्व होता है, चाहे वो गेट 2019 का एग्जाम हो या फिर नेट दिसंबर 2018 का। ऐसी ही बहुत सारी नॉलेज आई फ्लाई की क्लासेस में मिलती है सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि आप शॉर्ट फास्ट एक्यूरेट और एफिशिएंट तरीके से तैयार हो सको एग्जाम के लिए, कम टाइम में ज्यादा तैयारी। आई फ्लाई तुम्हारे लाइफ में इसीलिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981 पर। फिर एग्जाम चाहे नेट का हो या गेट का या ARS, ICMR, DBT, MSc के एंट्रेंस के एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो यार, आई फ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन है पढ़ाई का, एक ऐसा तरीका जो तुम्हें पढ़ना सिखा देगा, तुम्हारी पढ़ाई को किताबों से निकाल करके तुम्हारी लाइफ में ला देगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो भाई कर लो घंटी के साथ, और इस वीडियो को शेयर करो व्हाट्सएप पर फेसबुक पर। आई फ्लाई के लिए और जानकारी पाने के लिए गूगल कर सकते हो या फिर आई फ्लाई की वेबसाइट विजिट कर सकते हो iflynetgate.com या मुझे मेल कर सकते हो। चलो फिर मजे करो, बाय।